तो टाइम इवेंट नेटवर्क से बाकी पिन नंबर 5। तो टाइम इवेंट नेटवर्क एनालिसिस पीईआरटी, पीईआरटी का फुल फॉर्म प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, और सीपीएम यानी क्रिटिकल पाथ मेथड। पीईआरटी एंड सीपीएम आर टू मेजर टेक्निक्स ऑफ टाइम इवेंट नेटवर्क एनालिसिस। अब ये टाइम इवेंट का मतलब क्या? टाइम इवेंट का मतलब सिंपली ये होता है कि हमें जो कुछ भी करेंगे वो टाइम बेस्ड होगा। हर एक्टिविटी का है ना ड्यूरेशन होता है, हर एक्टिविटी का एक ड्यूरेशन होता है, वो फिक्स ड्यूरेशन होता है, और वो ड्यूरेशन स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर कंप्लीट होता है कि नहीं, यानी प्रोजेक्ट वो देखने के लिए किया जाता है। दस दे आर यूज इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। किसमें यूज करेंगे? प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर। फिर इन सर्टेन प्रोजेक्ट्स टाइम एलिमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। कुछ प्रोजेक्ट में टाइम जरूरी है, कंप्लीट करने से, टाइम पे कंप्लीट करने से ही है ना प्रोजेक्ट बराबर से कंप्लीट हुआ ऐसा माना जाता है। क्योंकि अगर प्रोजेक्ट को टाइम पे नहीं कंप्लीट किया गया तो इसका मतलब तुमको पेनल्टी या तो डैमेज, तुम्हारे रेपुटेशन का डैमेज हो सकता है, यानी ऐसा ये देखा जाता है। अब प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज, जैसे ब्रिज बनाना हो, प्रोजेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज, डैम बनाना हो, अभी ये बड़ौदा के अंदर ब्रिज बना, वो ब्रिज बनाने के टाइम पे आपने देखा कितनी बार एस्केलेशन क्लॉज उन्होंने ऐड किया था, और हर बार जब भी इन्होंने एस्केलेशन ऐड किया तब टाइम ड्यूरेशन बढ़ता गया। ये 2020 में बन जाना चाहिए, लेकिन बनते बनते उसको कितना टाइम लगा, 2022, 2 साल, और वो भी दिसंबर में जो उन्होंने ओपन किया। तो मतलब यहाँ पे ना, अगर टाइम को बराबर से ये लोग सेट नहीं करेंगे तो इससे प्रॉब्लम ये होगी ना कि इनको पहली बार तो रेपुटेशन जाएगी, और दूसरा प्रोजेक्ट को बार बार रीशेड्यूल करना पड़ेगा। नाउ पीईआरटी है ना, वो सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट किया गया? सबसे पहले पीईआरटी स्टार्ट किया गया, याद रखना, ये यूएस नेवी 1958 के अंदर, जब 2 साल ये एमसीक्यू की एग्जाम थी ना तब ये पूछा गया था 1958 में। सीबीएम को डेवलप किया था डुपोंट कंपनी। डुपोंट कंपनी नाम तुमने डुपोंट नहीं सुना होगा, लेकिन हर किसी को पता है कि घर में जो बर्तन में टेफ्लोन कोटिंग यूज किया जाता है ना, वो डुपोंट के लिए। सबसे पहले टेफ्लोन कोटिंग आर्टिफिशियल प्लास्टिक जो बोलते हैं ना, उसके अंदर से बनाने वाली कंपनी डुपोंट, और ये डुपोंट कंपनी ने सीबीएम डेवलप किया था, और रेमिंगटन रैंड ऑफ यूएसए, दो कंपनी साथ में। पीआरटी, इन पीआरटी अ नेटवर्क इज प्रिपेयर्ड टू शो द सीक्वेंस, जो तुमने डायग्राम ड्रॉ किए थे ना वो सर्कल वाले तुम्हारे पास, तो जो अपने सर्कल वाले डायग्राम ड्रॉ किए थे वो डायग्राम को पीआरटी और सीपीएम बोला जाता है। तुमको है ना बहुत बड़े डायग्राम का एक छोटा सा हिस्सा दिया जाता है, अपने इसमें ना क्रिटिकल पाथ भी चेक करते हैं। अब देखेंगे कि इन पीआरटी नेटवर्क इज प्रिपेयर टू शो द सीक्वेंस एंड टाइम रिक्वायरमेंट फॉर ऑल द एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट, यानी कोई भी प्रोजेक्ट के सीक्वेंसेस क्या है। जैसे आपने देखा कि एक साथ में प्रोजेक्ट ए और बी एक्टिविटी दोनों स्टार्ट हो जाती है, तो एक्टिविटी स्टार्ट में होती है, ये हमने देखा था बराबर, और ए के बाद बी शुरू होती है, बी के बाद सी शुरू होती है, ये हमने देखा था। और हम हमेशा क्या देखते थे उसके अंदर, प्रीडिसेसर एक्टिविटी को अपने देखते थे। तो पीआरटी इज यूज इन द प्रोजेक्ट इन विच टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटीज इज अनसर्टेन, ये इंपॉर्टेंट है कि जहां पे टाइम पता ना होने वहां पे अपने क्या यूज करेंगे, पीआरटी यूज करेंगे। अब आवाज आती होगी, सीपीएम इज यूज फॉर द प्रोजेक्ट जिसमें अनसर्टेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, यानी जिसमें अनसर्टेनिटी ना हो, यानी जो प्रोजेक्ट हमको पता है कि कितने टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, और हर चीज की यानी हर एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन है वो पहले से एस्टिमेट कर पाए, उसमें सीपीएम चलेगा। तो हम यहाँ पे पहले ये देखें, तो अपने देखना है पहले पीईआरटी और सीपीएम, जिसमें से जो पीईआरटी उसको डेवलप करने वाले कौन, यूएस नेवी 1958
1958 के अंदर, और सीबीएम को डेवलप करने वाले डुपोंट कंपनी और रेमिंगटन रैंड कंपनी यूएसए। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें भी नेटवर्क कंस्ट्रक्शन अजय, दोनों में पीआरटी बोलो या सीपीएम बोलो, दोनों में नेटवर्क कंस्ट्रक्शन अजय। लेकिन दोनों के नेटवर्क कंस्ट्रक्शन में फर्क क्या है कि पीआरटी के अंदर आपको पता है कि टाइम लिमिटेड है, वो सर्टेन नहीं है, हर एक्टिविटी की टाइम लिमिट तुमको पता नहीं है। सीबीएम के अंदर एक्यूरेटली अपने एस्टिमेट नहीं कर सकते टाइम लिमिट को, राइट। अब द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पीईआरटी एंड सीबीएम इज दैट सीबीएम अज्यूम्स दैट ड्यूरेशन ऑफ एवरी एक्टिविटी इज कॉन्स्टेंट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या लिखा है कि इसमें हर चीज जो लिखी गई है ना वो उतने टाइम के अंदर आज खत्म होगी, जो बताया गया उतने टाइम के अंदर खत्म होगा, ये पता है। और हर किसी का टाइम ड्यूरेशन अगर 10 मिनट तो सबकी 10 मिनट, जबकि पीईआरटी की बात करो तो इसमें ड्यूरेशन पता नहीं है, कोई 10 मिनट में, कोई 15 मिनट में, कोई 20 मिनट में, कोई 2 दिन में, कोई 2 महीने में खत्म हो। सो इन पीईआरटी द टाइम एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय 3 पैरामीटर्स। अब देखिए, पहले मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक टाइम, यानी मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मैं अगर सब कुछ सही करूं तो जल्दी से जल्दी कितने टाइम में कंप्लीट हो जाए, दैट इज मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक टाइम। जबकि मोस्ट लाइकली टाइम है ना, उसका मीनिंग क्या होता है? मोस्ट लाइकली टाइम का मतलब कि मैं अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाए तो कितने टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में मोस्ट पेसिमिस्टिक है ना, इसका मतलब ये होता है कि खराब से खराब कंडीशन में कितने टाइम में मैं कंप्लीट कर पाऊँ। एक मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक, इसका मतलब सब कुछ सही चले तो कितने टाइम में, मोस्ट लाइकली टाइम यानी थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो तो कितने टाइम में कंप्लीट होगी एक्टिविटी, और लास्ट में मोस्ट पेसिमिस्टिक यानी नेगेटिव टाइम, इसका मतलब समझो कि जितना टाइम इसमें हर एक्टिविटी में वेस्ट होता है ना, वो सब देख लिया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीआरटी और सीबीएम, दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव हमारे सामने क्या है, इज आइदर टू मिनिमाइज टोटल टाइम, या तो टोटल टाइम को कम किया जाए, टोटल कॉस्ट को कम किया जाए, कॉस्ट फॉर अ गिवन टोटल टाइम, टाइम फॉर अ गिवन कॉस्ट, और टू मिनिमाइज आइडल रिसोर्सेस, आइडल यानी बेकार पड़े हुए रिसोर्सेस को अपने क्या करना है, मिनिमम करना है। तो अब देखो, इसका अगर नटशेल में सबको अगर समझना है तो क्या करें, पहले पीईआरटी प्रोजेक्ट या तो प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक, प्रोजेक्ट भी हो सकता है या प्रोग्राम भी हो सकता है, इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। जबकि सीबीएम का मतलब क्रिटिकल पाथ मेथड, एक को यूएस नेवी ने 1958 के अंदर स्टार्ट किया, दूसरे को डूपोंट कंपनी ने, वो भी यूएसए की है, उन्होंने स्टार्ट किया सीपीएम को, और पीआरटी यूएस नेवी का। पीआरटी के अंदर टाइम कांस्टेंट पता चलता है और हमको इन्हें ये पता नहीं है पहले से, और अरे सॉरी सीपीएम के अंदर ड्यूरेशन कांस्टेंट रहता है, जबकि पीआरटी के अंदर टाइम पता ही नहीं है किसी भी एक्टिविटी का, तो हम पीआरटी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। शुरुआत में पता नहीं है अपने को कि कितना टाइम कंप्लीट करने में लगेगी एक्टिविटी, जबकि सीपीएम के अंदर हमने क्या देख लिया कि अगर एक एक्टिविटी को हमने 2 दिन दिए तो सारी एक्टिविटी 2 दिन में कंप्लीट होगी, हमने ऐसा सोच लिया। अब पीईआरटी के अंदर हम एस्टिमेट क्या करते हैं, 3 पैरामीटर्स पे, तो मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक टाइम, दूसरा मोस्ट लाइकली टाइम, और तीसरा मोस्ट पेसिमिस्टिक टाइम। अब जो मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, इसका मतलब कि सब कुछ सही चलेगा तो कितने टाइम में कंप्लीट होगा, लाइकली टाइम यानी कितना आगे पीछे, थोड़ा अगर आगे पीछे हुआ तो भी अपने कितने टाइम में कंप्लीट कर पाएंगे, जबकि मोस्ट पेसिमिस्टिक यानी बुरे से बुरी कंडीशन में कितने टाइम में खत्म होगा। अब प्रोसेस, सबसे पहले अपने क्या करेंगे, जो हमने नेटवर्क कंस्ट्रक्शन के डायग्राम्स में किया था ना, वही यहाँ पे तुम्हारे स्टेप्स है। पहला स्टेप, एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो। हमने देखा ए से लेके एच तक भी एक्टिविटी थी, 1 से लेके 9 तक भी एक्टिविटी थी, तो एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना, तो कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर कितनी एक्टिविटीज होती है उन सबको पहले पहचान। दूसरा, अरेंजमेंट करेंगे, जैसे मकान जब बनाना है तो सबसे पहले अपने क्या फाउंडेशन उसका बना दें, उसके बाद में उसका प्लिंथ लेवल आएगा, प्लिंथ लेवल आने के बाद अपने उसके अंदर फर्स्ट स्लैब लेवल आएगा, फर्स्ट स्लैब के बाद में सेकंड स्लैब का लेवल आएगा, उसके बाद में आउटर प्लास्टर, तो ये सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी हुई। तो सारी एक्टिविटी का अरेंजमेंट अपने करेंगे पहले, उसके बाद एस्टिमेटिंग टाइम, हम हर एक्टिविटी में
तीन अलग अलग एस्टिमेट्स करके टाइम कितने टाइम में कंप्लीट हो गई है, यानी अगर ऑप्टिमिस्टिक है ना तो लोएस्ट टाइम, कम से कम टाइम पीरियड, पेसिमिस्टिक है तो इसका मतलब मैक्सिमम टाइम पीरियड, जबकि प्रोबेबल और लाइकली यानी मतलब क्या, ये इन दोनों के बीच का टाइम पीरियड होगा, ना तो बहुत कम भी नहीं ना बहुत ज्यादा भी नहीं। और लास्ट में अपने क्या करेंगे, देखो नेटवर्क कंस्ट्रक्शन करेंगे। नेटवर्क कंस्ट्रक्शन करना मतलब अपने नोड्स को कनेक्ट करेंगे कि पहली एक्टिविटी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, किस तरह से कनेक्टेड है। अब ये जो तुमने नहीं सीखा वो ये है, तुमने नेटवर्क कंस्ट्रक्शन को लास्ट स्टेप समझा था, लेकिन जो असल स्टेप है ना वो क्रिटिकल पाथ है। क्रिटिकल पाथ यानी कौन कौन सी जगह पे तुमको लगता है कि यहाँ पे अगर गड़बड़ हुई तो प्रोजेक्ट अपना डिले हो जाएगा, यानी प्रोजेक्ट में लेट हो जाएगा, ये जो है ना उसको क्रिटिकल पाथ बोला जाता है। जैसे कि समझो कि 4 और 5 एक्टिविटी के बीच में बहुत जबरदस्त अगर लगता है कि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज आने वाली है तो वहां पे वो क्रिटिकल पाथ बोला गया, क्योंकि वहां पे तुम्हारी एक्टिविटी डिले हो सकती है। तो हम कंप्लीट टाइम पे ना होने प्रोजेक्ट, वैसे सारे सर्कमस्टेंसेस को समझ के, सारी कंडीशन को समझ के हम क्या करेंगे, उसके बेस के ऊपर हम क्रिटिकल पाथ डिसाइड करेंगे। फिर ये यूजफुल कहाँ पे, तो पीआरटी इज यूजफुल टू द टॉप मैनेजर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो टॉप मैनेजमेंट के लिए पीआरटी चाहिए। इट इज यूजफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ शेड्यूलिंग द एक्टिविटी। शेड्यूलिंग मतलब टाइम टेबल बनाना, कि एक वन टाइम प्रोजेक्ट, एक ब्रिज बनाना है वो वन टाइम प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग बनाना वन टाइम प्रोजेक्ट है, शिप बनाना वन टाइम प्रोजेक्ट है, क्योंकि एक बार तुमने वो शिप कंप्लीट कर लिया उसके बाद में सेम वैसी ही शिप बनानी दूसरी बार नहीं आएगी, तो ये सब वन टाइम प्रोजेक्ट है। तो वन टाइम प्रोजेक्ट का शेड्यूल बनाना बहुत डिफिकल्ट है। चलो रोज की एक्टिविटी हो तो उसका शेड्यूल अपने बना पाते, लेकिन अगर एक बार अगर कोई काम करना हो तो इसके पहले ना किसी ने बनाया है, तुम पहली बार इसको बनाने वाले हो तो इसका शेड्यूलिंग कैसे करोगे, ये यहाँ पे चलता है। इट इज यूजफुल इन वेरियस फील्ड्स सच एज कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड लॉन्चिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, इंस्टॉलिंग कंप्यूटर सिस्टम, मिसाइल काउंटडाउन। समझो ये इसरो जो करता है ना मिसाइल काउंटडाउन, वो भी एग्जैक्टली पीआरटी को समझ के करता है वो। फिर एडवांटेजेस, इसमें पहले से मैनेजर प्रिपेयर हो जाते हैं कि सारी एक्टिविटीज का प्लान कैसे करना है। इसमें कंपेल लिखा है ना, कंपेल यानी फोर्स करना, कंपेल का मतलब होता है फोर्स करना। फिर इट फोकस इज अटेंशन, गिव्स मोर अटेंशन ऑन क्रिटिकल एक्टिविटीज, यानी ध्यान अपने किसके ऊपर रखेंगे, जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल, जहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम जा सकता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा वेस्टेज हो सकता है, उस एक्टिविटी के ऊपर हम ध्यान रखेंगे, बिकॉज अ डिले इन देयर परफॉर्मेंस मे रिजल्ट इन टू डिले इन द होल प्रोजेक्ट। यानी अगर वहां डिले हुआ ना मेन एक्टिविटी के अंदर तो सब जगह पे भी डिले होगा। इट कंपेल्स टू टेक अ राइट एक्शन एट राइट पॉइंट एंड एट राइट टाइम इन द ऑर्गेनाइजेशन। सही सही समय पे सही जगह पे सही एक्शन लिया जाना, ये आपको इन्हें फोर्स करता ही है। फिर उसके बाद में इसकी लिमिटेशन भी है। सबसे पहली बात, हर एक्टिविटी का कोई भी एक्यूरेट टाइम एस्टिमेट हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी बनाना कि हर एक्टिविटी का एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल बने, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, ये रूटीन टास्क में नहीं चलता, वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए चल सकता है, लेकिन रोज के प्रोजेक्ट के लिए ये एक्टिविटी बिल्कुल बेकार है। राइट, तो ये अपने किसमें देखा, पीईआरटी और सीपीएम। अब इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोल, इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोल में क्या आता है, 6 अलग अलग पॉइंट है, क्यों कंट्रोल जरूरी है, ये आपको 2.5 मार्क्स में पूछ सकते हैं। एडजस्टमेंट इन ऑपरेशंस, कंट्रोलिंग हेल्प्स टू फाइंड आउट, सबसे पहले तो डेविएशन यानी डिफरेंस, परफॉर्मेंस जब कर रहे हैं कोई कोई जब भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उस वक्त अगर कोई भी डेविएशन यानी काम में डिफरेंस आया ना तो उसको ढूंढना और उसी वक्त करेक्टिव एक्शन लेना, ये तुम्हारे लिए पॉसिबल होता है। फिर उसके बाद इट बिकम्स पॉसिबल टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन ऑपरेशन, यानी उसी वक्त अपने जब काम चल रहा है उसी वक्त अपने एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फिर पॉलिसी वेरिफिकेशन, बाय कंट्रोलिंग मैनेजर कैन डिसाइड वेदर द प्रेजेंट पॉलिसीज आर सुटेबल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और नॉट, यानी हमारी अभी की जो पॉलिसीज है वो बराबर चल रही है कि नहीं, वो चेक कर किया जा सकता है। वेरिफिकेशन मतलब चेक करना। फिर उसके बाद मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स, सो ही मस्ट एक्सरसाइज सम कंट्रोल्स टू इंश्योर देयर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। यानी मैनेजर किसके लिए जिम्मेदार है, अपने सबऑर्डिनेट की सब काम के लिए वो जिम्मेदार है। सबऑर्डिनेट जो भी करेगा उसका जवाब मैनेजर को देना पड़ता है।
अपने ने ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में ये देखा था कि अकाउंटेबिलिटी में किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता, मतलब मैनेजर ने काम तो सौंप दिया लेकिन जिम्मेदारी तो उसकी बनती है। तो यहाँ पे वो मैनेजर हमेशा कंट्रोल में रहेगा, जब कंट्रोलिंग एक्टिविटी चलती होगी ना तब। और साइकोलॉजिकल प्रेशर, एम्प्लॉयज पे ये साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है, यानी दिमाग पे उनका ये प्रेशर रहता है कि कंट्रोलिंग अगर किया जाएगा तो हमारी गलतियां पकड़ी जाएगी। और साथ में रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों चीजें होती है, रिवॉर्ड्स तब दिया जाता है जब काम अच्छा किया जाए, और पनिशमेंट तब जब काम बराबर से ना करे बार बार वार्निंग देने के बावजूद भी। फिर कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, कंट्रोल कंपेल्स अ मैनेजर टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स इन सच अ वे दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। कंट्रोल कंपेल करता है मैनेजर, कंपेल करता है मतलब वही फोर्स करता है कि सारी एक्टिविटीज को बराबर कोऑर्डिनेट करके अपने सबऑर्डिनेट को समझा दे। एंड फाइनली ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, कंट्रोलिंग इंश्योर्स प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड मोटिवेट्स द एम्प्लॉई फॉर बेटर परफॉर्मेंस, दिस इंक्रीजेस द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बताया गया इसमें कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, जिस तरह से काम हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो काम अगर प्रॉपरली होगा तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, और साथ में इफेक्टिवनेस का मतलब सही आदमी सही जगह पे सही काम करता होना चाहिए। तो ये इफेक्टिवनेस इंक्रीज तब होती है जब कंट्रोलिंग से अपने सारी गलतियों को सुधार ले। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग का तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मैं प्लांट चेंज स्टार्ट कर रहा हूँ सेकेंड, गिव मी अ मिनट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखो, मैनेजमेंट ऑफ प्लांट चेंज। अब प्लांट चेंज का मतलब थॉमस एफ बेनिस की डेफिनेशन, प्लांट चेंज इज द डेलिबरेट डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल इनोवेशन, अ न्यू पॉलिसी और गोल और चेंज इन ऑपरेटिंग फिलोसॉफी क्लाइमेट और स्टाइल। पहले ये बोला गया प्लांट चेंज यानी क्या, तो प्लांट चेंज में आता है कि क्या क्या चेंज करना है, डेलिबरेट चेंज यानी जानबूझ के अपने चेंज करना है। कौन सी चीजों में चेंज करेंगे अपने, सबसे पहले अपने डिजाइन में चेंज करें यानी प्रोडक्ट की डिजाइन में, या तो ऑर्गेनाइजेशन की डिजाइन में, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में जो रिलेशन है उसको चेंज करना, नई पॉलिसी बनाना, नए गोल्स बनाना, और चेंज इन ऑपरेटिंग फिलोसॉफी यानी लोगों की फिलोसॉफी यानी जिस तरह से मेंटालिटी है उसके अंदर चेंज लाना, इवन तुम्हारे सराउंडिंग काम करने के उसके अंदर चेंज लाना, और वर्किंग स्टाइल में चेंज लाना, सब तरह के चेंज। लेकिन हम यहाँ पे इसको चार हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला जो प्लांट चेंज है उसमें सबसे पहले आता है टेक्नोलॉजी रिलेटेड चेंजेस। टेक्नोलॉजी रिलेटेड चेंजेस इंक्लूड इन्वेंशंस एंड टेक्निक्स विच अफेक्ट द वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, यानी प्रोडक्ट डिजाइन कैसे की जाएगी, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कैसे की जाएगी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इन सब के बारे में टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाने की जरूरत है। सच चेंजेस कैन बी चेंज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइसेस। इसमें देखो टेक्नोलॉजी में क्या, पुरानी टेक्नोलॉजी की जगह पे नई टेक्नोलॉजी लाना, मैनुअल वर्क की जगह पे कंप्यूटराइज वर्क का लाना, मेथड ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करना, अपने एक एक यूनिट अलग अलग बना दो उसकी जगह पे मशीन से मास प्रोडक्शन यानी एक साथ में ज्यादा प्रोडक्शन शुरू करे, ये बातें इसके अंदर आ सकती है। फिर उसके बाद है टास्क रिलेटेड चेंजेस, दिस चेंजेस नॉर्मली डिपेंड्स अपॉन टेक्नोलॉजी रिलेटेड चेंजेस। अब ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड चेंजेस जो है ना उसमें से हम ये करेंगे, अगर समझो टेक्नोलॉजी बदली तो लोगों का काम भी बदलेगा, काम करने का तरीका भी बदलेगा, वर्क ज्यादा सिंप्लीफाई होगा, सिंप्लीफाई होना है मतलब काम आसान बनेगा, और एनरिच द जॉब, एनरिच द जॉब यानी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो या तो काम करने में चैलेंज जैसा महसूस हो, इस तरह से काम हो। फिर उसके बाद आता है स्ट्रक्चर रिलेटेड चेंजेस, दिस चेंजेस रीडिफाइन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस। देखो स्ट्रक्चर का मतलब क्या, सबॉर्डिनेट और सुपीरियर के बीच की रिलेशनशिप उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो चेंजेस है ना वो किस तरह से आता है, एक तो लेवल ऑफ हायरार्की में चेंज आना, हायरार्की का मतलब तुम्हारे सबॉर्डिनेट कौन है और तुम्हारा सुपीरियर कौन है, फर्स्ट लेवल यानी टॉप लेवल पे कौन है, मिडिल लेवल पे कौन है और बॉटम लेवल पे कौन है, उसका चेंज आना उसको हायरार्की चेंज बोलते हैं।
चेंज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में चेंज लाना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन अगर लाइन ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसकी जगह पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बन जाए। एंड चेंज इन द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब एक आदमी अगर 10 लोगों को संभाल रहा है तो वो या तो 8 को संभाल पाएगा या तो 12 को संभाल पाए। इस तरह से अगर अपने चेंज करें कितने लोग एक आदमी के हाथ के नीचे काम करते हैं वो, उसको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। फिर पीपल रिलेटेड चेंजेस, इफ द चेंज अकर्स इन एनी ऑफ द अबाउट टाइप, तो फिर हमको ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को भी चेंज करना पड़ेगा। चेंज दो तरह से होता है इसमें लोगों के अंदर, एक तो स्किल में चेंज, दूसरा बिहेवियर में चेंज। फॉर एग्जाम्पल अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है, जैसे मैनुअल पहले हाथ से काम होता था उसकी जगह पे अब ऑटोमेटिक मशीन से काम होता है, तो अलग अलग तरह के लोगों की और ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में चेंज आता है, मतलब सोसाइटी में चेंज आना, साइकोलॉजी यानी काम करने की मेंटालिटी में चेंज आना, तो इसके कारण लोगों का बिहेवियर बदलता है। तो ये हुआ तुम्हारे 4 तरह के चेंजेस। अब अपना ये लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। तो देखो 2 तरह के फैक्टर्स हैं, आप पैम्फलेट में प्रॉपरली रीड कर पाओगे। पहला एक्सटर्नल चेंजेस, यानी जो चेंजेस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है वो बाहर से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करते हैं, दे आर एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो इसमें सबसे पहले आता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। विथ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, व्हेन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर अडॉप्टेड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन, तो एक बात समझो कि अगर पूरी इंडस्ट्री में एक ने चेंज किया ना तो बाकी को भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी 5G नेटवर्क अगर एक कंपनी लेके आती है ना तो बाकी सारी कंपनी को भी वो नेटवर्क किसी ना किसी तरह से अपने कस्टमर तक पहुंचाना पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुआ, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव होती है, मतलब कम खर्चे पे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाली और मार्केट में आपकी कंपटीशन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाली होती है। फिर उसके बाद में चेंजेस इन द मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन में कौन सा चेंज आता है, पहले तो चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन सप्लाइंग द सेम प्रोडक्ट। अब लिबरलाइजेशन जब से हुआ, लिबरलाइजेशन मतलब बाहर से कंपनीज को इंडिया के अंदर आने की परमिशन दी गई, उसके बाद में बहुत सारी एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी वो इंडियन मार्केट में एंटर हुई। इसके कारण मेनी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है बाहर की कंपनी के पास, तो अपने भी वही टेक्नोलॉजी के साथ में कस्टमर को सर्विस देनी पड़ेगी। फिर बायर में चेंज आता है, बायर में चेंज आता है मतलब बायर की जरूरत यानी नीड्स बदलती है, लाइक और डिसलाइकिंग बदलता है, इनकम स्प्रेडिंग या तो स्पेंडिंग, कितना इनकम कितनी इनकम कोई पर्टिकुलर कॉमोडिटी पे बायर खर्च करता है वो चेंज होता है। सो ऑर्गेनाइजेशन हैव टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स टू मीट द नीड्स ऑफ बायर, यानी हमको बायर को सेंटर में रख के प्रोडक्शन करना पड़ता है। फिर आता है सोसाइटी में यानी सोशल चेंज। सोशल चेंज इन कैन बी सीन इन टर्म्स ऑफ पीपल्स एस्पिरेशन, एस्पिरेशन यानी लाइक एंड डिसलाइक, उसको एस्पिरेशन बोला जाता है, लाइक डिसलाइक को एस्पिरेशन बोलेंगे, देयर नीड्स जरूरतें एंड देयर वे ऑफ वर्किंग, काम करने के तरीके में चेंज आता है। दिस चेंज टेक प्लेस बिकॉज ऑफ लेवल ऑफ एजुकेशन, ये कैसे आता है, एजुकेशन का बढ़ना तो मेंटालिटी चेंज होती है, अर्बनाइजेशन लोग सिटीज में ज्यादा बसते हैं उसके कारण चेंज होता है, फीलिंग ऑटोनॉमी मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी के हाथ के नीचे काम ना करूं, मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं, ऑटोनॉमी यानी फ्रीडम उसको स्वतंत्रता बोला जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने खुद के लिए काम करूं। और इंटरनेशनल इम्पैक्ट, पूरी दुनिया में जो चलता है वो इंफॉर्मेशन सोर्सेज से हमको हमारे तक भी वो चीज पहुंचती है, तो उसकी हमारे पे क्या इम्पैक्ट होगी वो देखा जाए। देन पॉलिटिकल एंड लीगल चेंजेस एक्सटर्नल में लास्ट है ये, दिस चेंजेस मेनली अफेक्ट द एक्टिविटीज विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अंडरटेक एंड द मेथड्स फॉलोड टू कंप्लीट द एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसमें जो पॉलिटिकल और लीगल चेंजेस है उससे पता चलता है कि पॉलिटिक्स में क्या चेंज आता है, जैसे कि गवर्नमेंट का बदल जाना तो इसके कारण बिजनेस पे भी इफेक्ट होती है, लीगल चेंजेस आने से भी बिजनेस पे इफेक्ट होती है।
नाउ इंटरनल फैक्टर्स जो बिजनेस के अंदर के फैक्टर्स है उसमें क्या आएगा? तो द इंटरनल फैक्टर्स अफेक्ट द चेंज बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एक तो मैनेजरियल पर्सन, मतलब जो लोग मैनेजमेंट करते हैं ना वो बदल जाए, ओल्ड मैनेजर्स की जगह पे नए मैनेजर्स आ जाए। ये क्यों होता है? तो इसके पीछे का कारण, पहला तो रिटायरमेंट, दूसरा किसी का प्रमोशन हो जाना आगे, किसी का ट्रांसफर, या तो किसी को काम से निकाल देना यानी डिसमिसल। जब भी नया मैनेजर बिजनेस के अंदर आता है तो वो नए आइडियाज के साथ में आता है और उसके काम करने का तरीका अलग होता है। तो इसी के कारण हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल रिलेशनशिप भले सेम रहे, इनफॉर्मल यानी दोस्ती यारी जो है ना वो सब बदल जाती है, और लोगों का एटीट्यूड भी उसके कारण चेंज हो जाता है। अगर उनकी पोजीशन में चेंज हो या ना, उनके काम करने के तरीके में चेंज हो या ना हो, लेकिन उनके बिहेवियर के अंदर और इनके सोशल स्ट्रक्चर जिसके साथ में बातचीत करते हैं उसके अंदर चेंज आ जाता है। फिर डेफिशिएंसी इन द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। डेफिशिएंसी का मतलब क्या? तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी कोई ना कोई खामी है, जैसे उसके अरेंजमेंट में कोई खामी है या उसके प्रोसेस के अंदर कोई खामी है, तो तब नॉर्मली हम इस डेफिशिएंसी को देखते हैं, तब हमको क्या करना पड़ता है, चेंज करने की जरूरत पड़ती है। ये डेफिशिएंसी क्यों होती है? तो नंबर वन, टू वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब एक मैनेजर के हाथ के नीचे हमने 100 लोगों को डाल दिया, अब 100 100 लोग काम करेंगे तो वो किसी को भी ध्यान नहीं दे पाएगा। फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन का ना होना, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है प्रोड्यूस तो कर लेता है लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसको बेचने के लिए अभी तैयार नहीं है, तो ये कोऑर्डिनेशन का ना होना। ऑब्स्टेकल्स इन द कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन बराबर से नहीं जा रहा है, या मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमिटीज, मल्टीप्लिसिटी आएगा, मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमिटीज। यानी एक से ज्यादा कमिटी का होना, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन पॉलिसी डिसीजंस, यानी पॉलिसी को डिसाइड करने में एक जैसा माहौल नहीं होता, हर बार अलग अलग पॉलिसी डिसाइड होती है, एंड लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द लाइन एंड द स्टाफ एंड सो ऑन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या फर्क है इसके बीच में? लाइन ऑर्गेनाइजेशन वाले इंप्लीमेंट करते हैं, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन वाले उनको एडवाइस देते हैं। यानी स्टाफ का मतलब मदद करना और लाइन का मतलब उसको इंप्लीमेंट कराना, तो ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो अगर कोऑर्डिनेशन ना हुआ ने तो इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो अभी का स्ट्रक्चर है ने वो इतना पावरफुल हमको महसूस नहीं होता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ने उसमें खाली डायग्राम समझ लो, डायग्राम ये प्रोसेस है पूरा, समझो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये पर्टिकुलर पूरे यूनिट के अंदर, प्रोसेस ऑफ प्लान चेंज। इसमें कहाँ से शुरू करेंगे? अपने आइडेंटिफाइंग नीड फॉर चेंज से शुरू करेंगे, पहले पता करेंगे कि जरूरत क्यों है चेंज करने की किसी भी चीज को। उसके बाद में अपने ये डिसाइड करेंगे कि कौन से एलिमेंट को चेंज करना है, फिर अपने प्लान करेंगे कि अब चेंज करना है तो कहाँ से शुरुआत करें, फिर उसके बाद में हम जो भी चेंजिंग फोर्सेस है उसको असेस करेंगे, मतलब जो फोर्स जो चेंज करने के लिए हमको उसके अंदर बदलाव लाने के लिए चाहिए उसको असेस करेंगे, फिर एक्शन फॉर चेंज। हम अब एक्शन करेंगे तीन चीजों में, पहला तो अनफ्रीजिंग होगा, मतलब अपने क्लास के अंदर भी क्या होता है समझो कि किसी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे बिठा दे तो इसका मतलब उस जगह को चेंज करने के लिए मुझे उसको वहां से उठाना पड़ेगा, तो वो अनफ्रीजिंग हुआ। फिर उसके बाद में वो उसको दूसरी जगह पे बिठाता हूँ वो चेंजिंग हुआ, फिर उसके बाद में मैं उसको समझाता हूँ कि अब तुमको इधर बैठना है तो वो रिफ्रीजिंग हुआ, फिर जगह वो छोड़े ना ने वो जरूरी है। तो इसके बाद में रिफ्रीजिंग के बाद में वापिस फीडबैक मिलता है और वापिस आइडेंटिफाइंग नीड फॉर चेंज से शुरू होता है। इसको अपने कल डिस्कस करेंगे।